26-11 हुआ था, याद है? 26-11 याद है ना? मुंबई में आतंकियों ने हमला किया था, बाद में क्या हुआ? फूल चढ़ाए, मोमबत्तियां जलाई, श्रद्धांजलि दी गई, और हमारी सरकार के दरमियान उरी हुआ था। उरी के बाद क्या हुआ? क्या हुआ? सर्जिकल स्ट्राइक, ये बदल हुआ कि नहीं हुआ? दो शब्द ऐसे हमारे सार्वजनिक जीवन का हिस्सा बन गए थे और उसी ने देश को पटरी से नीचे उतार दिया। वो दो शब्द कौन से थे? कोई भी काम हो तो पहला सवाल आता था, मेरा क्या? मैं तो उसमें तुझे कुछ दे नहीं सकता, तेरा कुछ हो नहीं सकता है। तो फिर दूसरा शब्द आता था, मुझे क्या? मेरा क्या? लेकिन अगर बात बने ही, मुझे क्या, जाओ मरो। 2004 से 2014 जब रिमोट वाली सरकार चलती थी, उस समय के हालात ये थे कि हर किसी ने मान लिया कुछ होने वाला, खेल खत्म। अब ऐसे ही गुजारा कर लो भाई, जो नसीब में था वो होगा। हर कोई सोचते थे कि नेता लोग आते हैं, बोलते हैं, फिर वो भी सेट हो जाते हैं। ये ऐसा नेता है, खुद सेट होता नहीं अपने लिए और नहीं औरों को अपसेट किए बिना छोड़ता है। कोई कल्पना कर सकता है कि हिंदुस्तान में सुबह टीवी खोलते ही समाचार आते, आज इतने आतंकवादी मारे, आज इतने मारे? ये ठीक है, हमारे जवान भी शहीद हो रहे हैं, लेकिन वे सीना तान करके लड़ते लड़ते मर रहे हैं, सोए हुए आकर के कोई बम फेंक करके नहीं मार पा रहा। पहले भी इस देश से बेईमानी करके, रुपये मार करके देश छोड़कर लोग भागे हैं कि नहीं भागे हैं? सैकड़ों की तादाद में भागे हैं, लेकिन उसके बाद क्या हुआ? क्या करे, वो भाग गया। हमने कानून बनाए, जो भागा है उसकी पाई पाई जब्त करेंगे। दुनिया में कहीं पर भी होगी तो भी जब्त करेंगे, और इसके कारण ये भागे हुए भी रास्ता खोज रहे हैं। आपने सही कहा कि आप एक सामान्य परिवार से आ रहे हैं और इतनी बड़ी लड़ाई छेड़ दी आपने। मुझे लगता है कि मैं इसलिए छेड़ पाया हूं क्योंकि मैं सामान्य परिवार से आता हूं। मैं भी अगर बड़े घराने से आया होता, मैं भी वो बड़े बड़े बैगेज लेकर के आया होता, तो मुझे भी डर रहता कि कल मेरी किताब खुल जाएगी तो क्या होगा, और ये ऊपर ठीक हो जाएगा ना तो नीचे तो फिर आप समझ लीजिए भमा भम होने वाला है। उनकी ताकत ऐसी थी, देश को 18 महीने तक जेलखाना बना दिया था, ये ताकत थी उनकी। कभी किसी ने सोचा नहीं होगा कि चार चार पीढ़ी भारत पर राज करने वालों को एक चाय वाला चुनौती दे रहा है। और आपको पता है ना,